तो हाल ही में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने एक साथी, हमारा एक साथी है आकाश तिवारी, उनका एक चैनल है फ्राइड रो के नाम से। जी हाँ दोस्तों, रोस्टिंग वीडियो उन्होंने रोस्ट किया था एकता कपूर को, ऑल्ट बालाजी जो सीरियल है, वेब सीरीज़ है, उसमें दिखाए गए कंटेंट को लेकर उस वेब सीरीज़ के विरोध में FIR भी लॉन्च हुई हैं। जो हिंदुस्तानी भाव हैं उन्होंने भी मुंबई के किसी एक पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च कराई है एकता कपूर के खिलाफ, ऑल्ट बालाजी के खिलाफ। जय हिंद। जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं वो जानी मानी हस्ती जो देश में रह के हमारे देश का जो मजाक उड़ा रही है उनके खिलाफ आके यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे हर पुलिस स्टेशन यहाँ पे आया हूँ और वो जानी मानी हस्ती का नाम है एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर, उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च किया मैंने यहाँ पे। और वो ये था कि एक हमारे जवान के ऊपर इन्होंने एक वेब सीरीज़ निकाली है, जो वेब सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि जब हमारे जवान बॉर्डर पे जाते तो ये यानी उनकी पत्नी एक अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुला के उसके साथ सेक्स करती है। और वो सेक्स ऐसा कि वो अपने मिलिट्री की जो उनकी वर्दी होती है, जो हमारी शान है, वो शान को उसको पहना के उसके साथ वो ऐसी अश्लील हरकतें करती है और अपने जवानों का जो वर्दी है वो फाड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत निंदनीय यानी एक हमारे जवानों के ऊपर मजाक बनाने की इन्होंने जो कोशिश की है, इसके खिलाफ़ मैं इनके एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करके अभी बाहर निकला हूँ। ये मेरा लॉन्च किया हुआ ये रिसीव और ये खार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर लोग ने सबने बोला कि जितना जल्दी हो गया उतने जल्दी हम आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बस अभी वेट एंड वॉच, आगे क्या होता है। जय हिंद। बस ऐसे सपोर्ट करो, ये सब गद्दारों की बजा डालूंगा मैं। जय हिंद। क्योंकि इस तरीके से जो है सारा देश का माहौल ख़राब होगा और इंडियन आर्मी की जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है इस तरीके की वीडियो से, इस तरीके की वेब सीरीज़ से। इंडियन आर्मी जो एक रेपुटेशन है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ होती हैं उनको बहुत गंदे तरीके से, बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस वेब सीरीज़ में। एकता कपूर को लेकर उन्होंने एक रोस्टिंग वीडियो बनाई है, उस वीडियो को मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर ही यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया 2 या 3 मिनट में, और उसके आधे घंटे बाद मेल आया है उन्हें कि हाँ आपकी ये वीडियो पता नहीं किस तरीके से बैठे हुए हैं। उस जो कंपनी का नाम है AIPLEX करके, AIPLEX बेंगलोर की ये कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, Amazon प्राइम, Netflix, ऑल्ट बालाजी, उल्लू ओरिजिनल, इन सब की ये सिक्योरिटी वगैरह देखती है कि कोई भी इनका जो कंटेंट है वो गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहा, या इनके कंटेंट को वो फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो नहीं बता रहा है, या इनके कंटेंट की वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी करते हैं। बेसिकली ये कंपनी है और ये YouTube पर पूरी तरीके से वॉच रखती है, लेकिन ये अननेसेसरी है। जबकि उसमें आकाश ने उस वीडियो में, उनकी वीडियो में किसी भी तरीके का उनका कंटेंट यूज़ नहीं करा, उस वीडियो के क्लिप तक यूज़ नहीं करे, उस फिर भी क्यों इस तरीके का कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। हालांकि वो इस कॉपीराइट स्ट्राइक के अगेंस्ट अपील में गए हैं और देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। AIPLEX ज़बरदस्ती अपने आप को, बेसिकली एक क्रिएटर जो होता है बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाता है, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन इन्हें देने से कुछ नहीं लगता। बहुत ही जल्दी छोटे से क्रिएटर्स को, और ये बड़े क्रिएटर्स को कुछ नहीं कहते, हमेशा छोटे क्रिएटर को टारगेट करते हैं जिनके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 सब्सक्राइबर होते हैं, केवल उन्हीं क्रिएटर्स को ये टारगेट करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1971 फेयर यूज़ का जो कितना भी सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, फिर भी उनके इस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो मुझे बहुत दिक्कत थी, परेशानी आई है, इसलिए मुझे मन में जो बात थी वो मैं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग सपोर्ट करें आकाश को, मेरा सपोर्ट पूरी तरीके से उनको है, और मैं सभी और यूट्यूबर क्रिएटर से कहूँगा कि आप सभी लोग उनको सपोर्ट करें। मुझ पर भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया था और वो भी AIPLEX ने ही दिया था, क्योंकि AIPLEX जो है सभी चीज़ों की सिक्योरिटी वगैरह देखता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ मैंने तो थोड़ी सी गलती करी थी, मैंने ये क्या बताया था अपनी वीडियो में कि आप Netflix, Amazon प्राइम और ओरिजिनल की जो वेब सीरीज़ है वो फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरी गलती थी, आई एक्सेप्टेड, मैंने माना, लेकिन उस वीडियो में जो आकाश तिवारी की जो वीडियो है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, कोई
कोई कंटेंट जो है गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा ही पूरा ध्यान रखा गया है फेयर यूज़ का, कॉर्पोरेट फेयर यूज़ का पूरा ध्यान रखा गया। फिर भी पता नहीं क्यों उनकी जो वीडियो है वो डिलीट कर दी गई मात्र 2 या 3 मिनट में, और जबकि मेल आया आधे घंटे बाद। तो ये बहुत देखने वाली, बहुत ही डराने वाली बात है। ये इससे जो है छोटे क्रिएटर्स डर जाते हैं, हम जैसे क्रिएटर्स जो डर जाएंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब आप ऐसा ना करें, एक बार देख लें, वीडियो को चेक कर लें, किसी का सीधे ही स्ट्राइक देने से आप उसकी वीडियो को ब्लॉक ना करें, बंद ना करें, आप एक बार चेक तो कर लें कम से कम कि माजरा क्या है, क्या उस वीडियो में ऐसा कुछ है कि कोई स्ट्राइक दे। तो आप एक बार चेक कर लें कि इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा सकता है, तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक को वहीं पर रोक दें, पहले अपील में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि अपील में कैसे जाया जाता है और स्ट्राइक आने के बाद क्या करना होता है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन यूट्यूब का एक कर्तव्य बनता है कि आप इस चीज़ को देखें पहले कि हाँ उस वीडियो में कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक की समस्या है या नहीं, और कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक का उन्होंने जो कॉपीराइट की गाइडलाइंस है उनको ब्रेक किया है या नहीं किया है, ये ज़रूर एक बार यूट्यूब को वीडियो को स्टॉप करने से पहले देखना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो है, ये मेरी सपोर्ट में वीडियो है आकाश तिवारी को, फ्रायरो चैनल को, तो मैं सब्सक्राइब के लिए या लाइक के शेयर के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सपोर्ट के लिए आपको ज़रूर कहूँगा कि आप फ्रायरो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। उनकी जो वीडियो दोबारा उन्होंने रोस्टिंग वीडियो बनाई है एकता कपूर के खिलाफ, जी हाँ, क्योंकि आवाज़ हम उठाते रहेंगे जो इंडियन आर्मी के कैरेक्टर को या जो इंडियन आर्मी को गलत दिखाएगा, गलत तरीके से प्रदर्शित करेगा, या इंडियन आर्मी की जो रेपुटेशन है वो कम करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाते रहेंगे। और ये आवाज़ दोबारा से उठाई है, तो दोबारा उनकी वीडियो आई है तो दोबारा से हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और दोबारा से चाहेंगे कि वो वीडियो फिर से वायरल हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।